लेट मी राइट दिस, आप लोग भी लिखिए क्वेश्चंस। थोड़ा सा ट्राई कीजिए पहले ऑल ऑफ यू। ठीक है भैया, बस बहुत ट्राई कर लिया। अगर दिखावे के लिए ट्राई किया है तो देखो आंसर तो आपको अपने आप को देना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, पहले ये पढ़िए। ए बी सी डी बी फोर डिफरेंशियबल फंक्शंस ऑन आर स्क्वायर। जैसे आप एफ लिखते हैं, जरा देखें, जो भी है आर स्क्वायर भी हो सकते हैं, आर भी मान लीजिए ऐसे ही, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना भाई, टू वेरिएबल का फंक्शन। तो फिर ये देख क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी सी डी फॉर डिफरेंशियबल फंक्शन डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर, दैट मीन ए जो है दैट इज ऑल्सो आर स्क्वायर टू समथिंग। यानी ये ए एक्स वाई, ए मान लो जैसे इसको एफ एक्स वाई को आप एफ लिख देते हैं, तो इसको अब सिंपली अगर इसको ए लिख दिया जाए, दिस इज ए दिस इज बी, तो राक्षस थोड़ा छोटा नजर आएगा। बस अब कर लेते हैं, आइए जरा इसको मल्टी, एंड दिस इज अप्लाइड टू यू, दैट मीन्स ये वाला केस है जो मैं आपको शुरू से कह रहा था कि वहां देख लेना कि कौन किसकी टर्म्स में डिफाइंड है। इट इज जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, इट इज यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। जरा साथ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टाइम्स दिस, बी टाइम्स दिस, सी टाइम्स दिस, दिस एंड डी टाइम्स यू, छोड़ दो। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, इसको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हमें मिलेगा, ध्यान से देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए सी, हाँ जी, दिस अलॉन्ग विद दिस, कुछ बोलेंगे या चुप रहेंगे? What is del by del x? Del by del x. बोलिए। अभी स्क्वायर कर देते, स्क्वायर नहीं हो रहा भैया, यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की दिख रहा है हमें, एलिप्टिक वगैरह है तो यहाँ स्क्वायर थोड़ा ना होगा। बोलो क्या लिखूं? सॉरी, यू लगा देते हैं, यू तो एंड में है ही, तो यू तो आ गई। अब समझ गए आप लोग, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ जी, ए के साथ डी वाला टर्म, पता नहीं कब आपकी आवाज आएगी। डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, यस। बी के साथ सी वाला टर्म, ये देखो डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल एक्स, एंड बी के साथ डी वाला टर्म। उधर जीरो है ही,
हाँ जी, ये हो गया आपका एसी के साथ, बीडी के साथ एंड ये पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ। सो इज इट ऑफ दिस टाइप, चेक करिए। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस बढ़िया ही आएगा। AD प्लस BC, प्लस हाँ जी, कैन यू रिकॉग्नाइज करेक्टली व्हाट इज एस, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज टी? समझ गए? s² - 4 rt, तो यही है ना। ठीक है, अब कम से कम हाँ तो कह दो भाई। सर, तो व्हाट इज s² - 4? इतना बड़ा एक्सप्रेशन सर इस कोने में ही कर देंगे। अब देखिए करते हैं भाई, एस स्क्वायर का मतलब है ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर, एंड उसके साथ आएगा -4 rt, -4 acbd। तो दिस इज -4 acbd। अब क्या करें सर इसका साइन? -bc का हाँ स्क्वायर बस बन गए। तो अगर ये स्क्वायर ओपन करेंगे आप, तो ये a² + b² + 2ab, और यहाँ पे -4 है, आई थिंक ये प्लस में बन जाएगा सर। हो गया ना, ये ओपन करके दिखाएं आपको। अब समझ भी जाओ यार, तुम तो वहां बैठे हो। ad² bc² 2abcd, -4abcd। अब बोल तो दीजिए क्या बनेगा ये? दिस विल बी, एडी दिस इज ad - bc का होल स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा कैसे होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। तो माइनस यहाँ राइट नाउ इक्वल टू 0 वाला तो केस है यहाँ पे, बिकॉज ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, एलिप्टिक, तीनों चीजें लिखी हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, सारी चीजें लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। लेट मी राइट, इतना तो देख ही लिया आप लोगों ने। हाँ जी, ये इसके बाद यहाँ ad - bc का स्क्वायर है, लेस देन 0 तो होगा नहीं, वो तो भूल ही जाओ तुम। तो ये स्क्वायर है भैया, या तो ये 0 होगा या ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो बनेगा पैराबोलिक, एम आई राइट? और अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो बनेगा हाइपरबोलिक। अरे बोलते काहे नहीं। यस हाँ जी, तो ये जो है आपका कभी भी पैराबोलिक नहीं होगा। नहीं, पैराबोलिक हो सकता है जब ये स्क्वायर आपका 0 हो जाए, तो गलत है। कभी भी एलिप्टिक नहीं होगा। हाँ, एलिप्टिक नहीं होगा भाई, एलिप्टिक नहीं हो सकता। एलिप्टिक के लिए क्या बताया था? s² - 4 rt क्या होगा बोलिए, है ना? वो तो संभव ही नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ही ऑलवेज हाइपरबोलिक, ऑलवेज कैसे कह देंगे? स्क्वायर है ना, कहाँ गया ये स्क्वायर? तो 0 भी हो सकता है ना। हमारा तो क्लासिफिकेशन ही स्ट्रिक्टली है, या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, या स्ट्रिक्टली लेस देन 0, या इक्वल टू 0। अब आप ये वाली चीज नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा होगा तो भी आप इनमें से कुछ कह देंगे, नहीं बोल सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बाकी जगह की तरह नहीं है कि एक्सेप्ट हो गया ग्रेटर देन इक्वल 0। नहीं, एग्जैक्टली बताइए क्या है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, इज द पॉइंट क्लियर? तो ये ऑलवेज हाइपरबोलिक होते होते रह गया, होते होते रह गया, ये तो भूल ही जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए कितना बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन लॉजिकली हो गया, आराम से हो गया।